कहे तो भैया जिंदगी एक गम है, गम में है दर्द और दर्द में है मजा और मजे में है हम। क्या बात है। ये आपको पैरों का निशान दिख रहा होगा, एक इस तरफ है और बाकी एक ये रहा। तो ये लो जी भाई, फाइनली 1.25 घंटे का ट्रैक करने के बाद और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है हमेशा की तरह एक नंबर। तो ये भाई ये अपना रूम था भाई, लास्ट नाइट हमने यहाँ पे स्टे किया था। बाकी आते टाइम तो रात हो गई थी तो उतना अच्छा व्यू आ नहीं रहा था। मॉर्निंग गोल्डन भाई, मेरी जहान चार्जिंग में लगा दिया सारा असला। ओके की रिपोर्ट है मतलब। और बाकी इस तरफ तो अपने कैमरे से अपने फोन वोन चार्ज हो रहे हैं। बाकी रूम की अगर बात करें तो रूम अपना दुग्ध विलेज में कुछ इस तरीके का था, ये आप देखो। बाकी मैं बोल भी रहा था कि 7 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए जगह के हिसाब से, फैसिलिटी जो मिल रही है यहाँ पे। बाकी इस तरफ अपना वॉशरूम था और ये पड़ा है हमें भाई साहब 1500 रुपये पर हेड, जिसमें कि डिनर भी और ब्रेकफास्ट भी दोनों इंक्लूड है। तो वो क्या जगह के हिसाब से मुझे वर्थ इट लगा एकदम, एक नंबर। ओके की रिपोर्ट रही भाई। तो इस तरफ अपना रूम है और रूम के बाहर का व्यू ये आप देखो, ये आपकी स्क्रीन में है भाई पंचाचूली पीक। क्या बात है। और इस तरफ स्क्रीन में ये रहे भाई अपने जहाज ब्लैक पैंथर, अपना दिलोगा सूटर बीच में है। बाकी दोनों इस तरफ दाएं बाएं ये आपको दिख रही होंगी GT 650। और प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की थी, ये आप देखो। बाकी थार का छोटा भाई जिमनी भी यहाँ पहुँचा पड़ा है। और बाकी क्या है, नहाते वहाते रेडी सेडी होते, टाइम ये हमको हो गया है एग्जैक्ट 8:30 हो गए हैं। तो क्या है कि नाश्ता लग गया है, पहले खाना खाते हैं उसके बाद से फिर मिलते हैं। अब लो भाई मॉर्निंग कर दो एक बार। मॉर्निंग क्या है नाश्ते में, क्या है? छोले ब्लैक वाले ना। और बाकी पूड़ी है, रोटी है? पूड़ी है। क्या बात है। तो ये खा के हो जाएगा ट्रैक। तो अभी प्लान हमारा ये बन रहा है कि बेस कैंप पंचाचूली पीक का जो ट्रैक जाता है उसका बेस कैंप तक सोच रहे हैं कि ट्रैक करें और उससे पहले डाइट देख लो। पूड़ी छोले चल रहे हैं, चलो छोले तो हैं, छोले में तो अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये भाई पेट पूजा तो कर ली है, बाकी अब तैयारी खींच दी है ट्रैक करने की। और बाकी जो बेस कैंप तक का ट्रैक जाएगा पंचाचूली पीक के लिए, तो सामने आपको स्क्रीन में वो दूर एक गांव दिख रहा होगा, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का। तो वहां से ये 2.5 किलोमीटर की जो ट्रेल है वो जा रही है इस तरफ जिधर आपको फॉरेस्ट दिख रहा है। तो वहां से होगा क्या, जो पंचाचूली की पीक आपको यहां से दिख रही है, तो यहां से तो 4 दिख रही है, जब ऊपर हम बेस कैंप पहुंचेंगे तो वहां से 5 पीक्स वो भाई एकदम क्लियर दिखेंगी। 5वीं पीक जो ये वाला पहाड़ है इसके बैक साइड में छिपी हुई है, तो ऊपर चल के वहाँ से आपको दिखाते हैं भाई 5 पीक एक साथ। और बाकी क्या है कि अभी तो हमारी हालत क्या है कि ओके ओके लग रही है, पर रात यहाँ भाई साहब सीन शॉट प्रोटोकॉल हमारा पूरा लो हो गया था, मेरी भी और ये हैरी ब्रुक की भी। ऑक्सीजन लेवल की वजह से क्यों भाई, हालत अपनी जो थी वो ख़राब हो गई थी अच्छी खासी। माइनस टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीजन का यहाँ पे इतना ज़्यादा पंगा हो रहा था कि सांस ही नहीं आ रही थी रात भर। और बाकी क्या था कि डोर ओपन करें तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि ठंड से जान निकल जा रही थी, दरवाज़ा बंद करें तो सांस नहीं आ रहा था। तो ये हो गया था कि यहाँ आए क्यों हैं। तो बाकी अभी नाश्ता करके एक पैरासीटामोल खाई है, तो अब जाके थोड़ी सी राहत है। और बाकी क्या है कि ऊपर आप देखोगे तो सूरज देवता भी अपनी प्रचंड फॉर्म में आ गए हैं भाई। तो अब मामला ओके की रिपोर्ट रहेगा। तो आप कैमरे सैमरे अपने उठाते हैं और निकलते हैं और बाकी आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया मजे में और तगड़े होंगे हमारी तरह। क्या बात है। तो ये गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम स्टार्टिंग गेट पे जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है। बाकी 500 मीटर दूर वो था दातू विलेज और ये है दुग्धू विलेज। और बाकी सामने वो भाई उस तरफ ग्राउंड पे हमने अपनी दोनों बाइकें पार्किंग में लगा दी हैं, बाकी एक उस तरफ होटल में ही है। बाकी इस तरफ राइट साइड से यहाँ से भाई होता है ट्रैक स्टार्ट। और बाकी स्टार्टिंग गेट पर आप ये देखेंगे तो बड़ा बड़ा सा एक बोर्ड भी लगा है, 5 पीक्स ऑफ पंचाचूली। तो बढ़ते हैं, बाकी अपने साथ वाले तो निकल चुके हैं 150 मीटर आगे। तो भाई स्टार्टिंग में अभी 100-150 मीटर का ट्रैक किया होगा तो कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा है। बाकी ट्रैक प्रॉपर बना नहीं है, एक ट्रेल सी बनी हुई है वही फॉलो हम कर रहे हैं। बाकी लेफ्ट साइड ट्रैक के ये हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और राइट साइड ये है भाई हरे भरे मैदान, ये आप देखो। और बाकी दुग्धू विलेज का व्यू यहाँ से कुछ बेहतरीन आ रहा है, ये आप देखो।
छोटा सा प्यारा सा विलेज है, और बाकी जो 360 व्यू है विलेज के चारों तरफ वो भाई इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहा है। तो ये गाइज अभी 500-700 मीटर का ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, वैसी हार्ट बीट तेज हुई पड़ी है, सांस फुल रखी है। बाकी एक भाई हार्ट बीट तेज करने वाली एक चीज़ ट्रैक पे मुझे और दिखी है, ये आप देखो, ये आपको पैरों का निशान दिख रहा होगा, एक इस तरफ है और बाकी एक ये रहा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पहाड़ी जो लेपर्ड होता है तो उसके ये पंजों के निशान है। बाकी अगर किसी को नॉलेज हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ये लेपर्ड के ही पैरों के निशान लग रहे हैं क्योंकि पहाड़ी लेपर्ड थोड़ा साइज़ में भी छोटा होता है। तो देखो, और अभी क्या है कि हम आधा किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो सारा का सारा जो ट्रैक है वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरी एकदम फॉरेस्ट रेंज में। और बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो जो पंचाचूली पीक है ऐसा लग रहा है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो हमारी तरफ को बढ़ रही है। सामने का व्यू आप देखो, दिल खुश हो जाएगा एकदम। और बाकी साउंड आ रहा होगा मेरी सांस फूलने का, बहुत तगड़ी थकान हो रही है। एक तो पूरी रात के नहीं सोए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी कम थी, हालत ख़राब हो गई थी। तो ये गाइस इस वाले पॉइंट से ये ट्रैक जो है कि दो तीन दिशाओं की तरफ डिवाइड हो जाता है, और बाकी कोई क्या है कि रास्ता भटके ना अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुँचे तो उसके लिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है। अपना जो है यहाँ से पंचाचूली बेस कैंप रह गया है 1.5 किलोमीटर, और दिशा ये वाली दिखा रहा है तो इसी तरफ को बढ़ते हैं। बाकी दूसरी तरफ को शायद एक ताल है कोई, तो उसकी तरफ जा रहा है वो वाला ट्रैक। तो ये भाई, ये मैंने पकड़ लिया अपने शेर बग्गों को, मेरी जानिए कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए, थकना नहीं है, हार नहीं माननी है। तो ये भाई, ये एंटर कर चुके हैं हम फॉरेस्ट रेंज में, और बागी एकदम गला सूखा पड़ा है तो पानी वानी पीते हैं। और इस वाले पॉइंट से जो है कि स्नोफॉल भी वो भाई अब भर भर के देखने को मिल रही है। बाकी सामने आप देखो एकदम घना जंगल है, और कसम से आज हालत ख़राब हो गई है 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने में ही। एक तो रात से तबीयत ख़राब है और बाकी सर दर्द अभी भी हल्का हल्का हो ही रहा है, और बाकी एक तो ऑक्सीजन की कमी से रात सो नहीं पाए। ये लेट नाइट तक पहले तो वीडियो एडिट करा था, सोच रहा था सुबह अपलोड कर दूंगा, इतनी मेहनत करने के बाद सुबह नेटवर्क यहाँ पे एयरटेल वोडाफोन जियो किसी का भी नहीं है यहाँ पे, तो वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाया आज। तो अभी जैसे ही हार्ट बीट नॉर्मल होती है तो बढ़ते हैं आगे, अब सीधा फिर बेस कैंप में ही रुकेंगे। तो लिटिल से ब्रेक के बाद ट्रैक अप कर लिया स्टार्ट, और ये देखो आप ट्रैक भी बिल्कुल ढका हुआ है स्नो के नीचे, और काफ़ी हार्ड स्नो है ये, और नीचे को एकदम स्लिपरी है, तो एकदम पैरों की जो है कि ग्रिप आराम आराम से बना बना के बढ़ रहे हैं आगे को, ये देखो। और जब हल्द्वानी से चले थे उस तरफ तो भाई साहब जानलेवा गर्मी थी, इस तरफ देखो बर्फबारी हुई पड़ी है। तो ये गाइज आज का ट्रैक ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने ही वाले हैं। बाकी जिस पॉइंट पे अभी मैं हूँ तो ट्रैक की ये लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी आपको ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं क्रीम कलर के, तो ये भोजपत्र के पेड़ हैं जिस पे रामायण और महाभारत आई थिंक लिखी हुई थी उस जमाने में जब लिखने की फैसिलिटी नहीं थी, तो इसी पेड़ के कवर निकाल के उसमें लिखा जाता था। ये आप देखो तो कई सारे वो कवर इसके ऐसे सूख के लटके हुए हैं, तो उस जमाने पर इसी पर लिखा जाता था। तो ये लो जी भाई, फाइनली 1.25 घंटे का ट्रैक करने के बाद ये हम पहुंच चुके हैं भैया बेस कैंप में पंचाचूली पीक के, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है हमेशा की तरह एक नंबर, नेक्स्ट लेवल एकदम, मज़ा आ गया कसम से। ये आप चेकआउट करो भाई बेस कैंप से पंचाचूली पीक का व्यू, ये देखो है कुछ तगड़े वाला नज़ारा। तो बढ़ते हैं इस तरफ को, बाकी ये बेस कैंप है, जितने भी लोग 0 पॉइंट तक ट्रैक करते हैं तो उनका क्या होता है कि यहाँ पे बेस कैंप में यहाँ पे वो लोग स्टे वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि लाइन से ये आप देखो डोम बने हुए हैं, लाइन से 4-5 हैं आई थिंक, और यहाँ पे स्नो देखो कितनी रुकी हुई है अभी तक। बाकी मज़े वाली बात यह है कि नीचे जहाँ स्टे किया था तो वहाँ से 4 पीक्स दिख रही थी, और यहाँ से भी 4 ही दिख रही हैं, 5वीं जो है कि बादल के पीछे ढकी हुई है। पहली तो रही ये, दूसरी रही ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं ठीक सामने है, पर वहाँ पे क्या है कि एकदम फॉगी फॉगी सा माहौल हुआ पड़ा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर ये फॉग हटती है तो फिर 5वीं पीक दिखाते हैं आपको। और बाकी ये अपने शेर बग्गे हैं, तो भाई मौज आएगी नहीं आई, कैसा लग रहा है? लाजवाब लाजवाब, अल्टीमेट सुपर से भी ऊपर, क्या बात है, क्यों बिल्कुल एनर्जी लेवल तुम्हारा तो माइनस में चला गया, थोड़ा जोर से तो बोलो। तो ये भाई कुछ बेहतरीन से 360 शॉट यहाँ से लिए हैं पंचाचूली पीक के, तो ये आप एंजॉय करो। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये नज़ारा आपको कैसा लगा।
भाई चलते हैं, अब सीधा आपसे मिलते हैं नीचे चल के मोटो ब्लॉगिंग वाले सेटअप में। और बाकी वीडियो देखते हो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना वो प्लीज ना भूलें। और बाकी आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया और मजे में होंगे। और बात अगर हमारी करी जाए तो भैया जिंदगी एक गम है, गम में है दर्द और दर्द में है मजा और मजे में है हम। क्या बात है, अब निकलते हैं यहाँ से, अब व्लॉग हुआ है पूरा। तो ये गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने होटल में, बाकी लगेज वगैरह बांध दिया है बाइकों में, तो अब यहां से निकलते हैं। भाई टाइम ये देखो, तैयारी करते करते डेढ़ हो गया है भाई, अच्छा खासा लेट हो गए हैं। तो अब यहां से मारेंगे हॉर्न और निकलेंगे फौरन। और बाकी ये पांचवी पीक को देखने के लिए इतना हार्ड ट्रैक करके ऊपर गए, तो वो दिखना तो दूर की बात, बाकी और जो चार पीक थी वो भी अब ढक गई हैं फॉग में। तो यहाँ का वेदर का कुछ पता नहीं है भैया, कब क्या सीन हो जाए। चलो जी लवली। और बाकी कुछ भी कहो, यहाँ आके जो व्यू देखने को मिला ना भाई साहब, मजा आ गया उसमें। और बाकी कसम से अभी मैं बता नहीं सकता मेरी कितनी गंदी हालत हुई पड़ी है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना सर में, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई हैमर वगैरह या पत्थर वगैरह कोई मेरे सर में मार रहा होगा बार बार। बाकी ये पॉइंट आ गया जहाँ से हमने अभी ट्रैक स्टार्ट किया था मॉर्निंग में। तो बाकी ये दुगदू विलेज है, कुछ बेहतरीन से इसके सिनेमेटिक हैं, आप लोग ये इंजॉय करो और हम उसके बाद से फिर कहीं पे मिलते हैं ढाबे वाबे पे, क्योंकि भूख लग रही है अच्छी खासी। तो ये भाई फाइनली यहाँ पे लंच ब्रेक लिया है और अभी हमने राइड कंप्लीट कर ली होगी 25 से 30 किलोमीटर की। तो ये आ गया अपना दाल भात, तो सिंपल सोबर खाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं, क्या बात है। और बाकी अभी 2-2.5 घंटा लगेगा यहाँ से धारचूला का ना, और बाकी नाइट स्टे आज कहाँ रहेगा वो तय होगा भैया कि हम कितने बजे धारचूला पहुँचते हैं, तो वो समय डिसाइड करेगा। बाकी अभी क्या है फिलहाल सर दर्द हो रहा है, खाना खाते हैं पहले। ये फैन हो गए यार ये मेरी जान। तो ये भाई करते कराते फाइनली अब पहुंचे हैं हम कहाँ, धारचूला। और बाकी क्या है अभी तो धूल मिट्टी में सने पड़े हैं, कुछ तगड़ा ही एडवेंचर हुआ भाई। और टाइम ये आप देखो एग्जैक्ट 5:30 हो रहा है, और बाकी अभी जिस पॉइंट पर हम हैं यहाँ से ये आप देखो पूरी धारचूला सिटी का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। बाकी नदी के उस तरफ वाला हिस्सा वो नेपाल है। और बाकी क्या है कि 2 दिन से अपने क्या था कि नेटवर्क की दुनिया से बाहर थे, तो अभी पहुँचे हैं, तो आप जाके थोड़ा घर भर में बात करते हैं और देखते हैं भैया सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। और उसके बाद से फिर प्लान बन रहा है कि यहाँ से अभी चलते रहते हैं सनसेट से पहले, देखो कहाँ तक कवर करते हैं। तो ये गाइस काफ़ी लंबी राइड करने के बाद फाइनली ये हम पहुँचे हैं भाई पिथौरागढ़। और जब निकले थे पिथौरागढ़ में दोपहर के टाइम में तो अच्छी खासी चहल पहल थी, अभी तो पूरा शहर एकदम शांत पड़ा है। ये मेन चौक है पिथौरागढ़ का। तो भाई फाइनली आज का स्टे हमारा हुआ है पिथौरागढ़ में, और रूम कुछ इस तरीके का है, पूरा 2-2.5 एकड़ में फैल रखा है रूम, क्यों मेरी जान एक नंबर। और बाकी क्या है कि व्यू तो बहुत प्यारा आ रहा है, ये आप देखो तारों की तरह टिमटिमा रहा पूरा पिथौरागढ़ से है। बाकी सुबह कुछ बेहतरीन नज़ारा इसका भी आपको दिखाया जाएगा। बाकी आज का दिन भाई साहब एडवेंचर से भरा रहा, एकदम हालत ख़राब हो गई है। एक बार ये देखो आप कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है कहीं से हल चला के आए हो खेतों में से। तो इसको कहते हैं भैया एकदम कुछ नेक्स्ट लेवल का प्रोटोकॉल। बाकी क्या है कि कल तो यहाँ से बैक टू द पवेलियन हमने निकलना है घर को, बाकी देखेंगे कि ट्रैकपुर होते हुए जाएंगे या जाएंगे अल्मोड़ा होते हुए, तो बाकी मॉर्निंग में जो भी डिसाइड होगा तो अपडेट किया जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि शरीर का एकदम कोना कोना दुख रहा है, तो खा पी के अब फैलते हैं इधर बेड में, क्या बात है। और बाकी आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए और एक प्यारा सा कमेंट किए बिना प्लीज़ ना जाएँ। तो मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।